फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज तीज है तो बस हैप्पी तीज। मैंने ग्रीन कुछ नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में चेंज करूँगी। और वैसे सीखते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ करने का नहीं है। और कुछ बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं, बट मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं तो मुझे उनके लिए थोड़ा सा तीज का प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे लिए भी तीज हो जाएगी यार। तो मैं आज बनाने वाली हूँ घेवर और साथ में दाल बाटी। तो आज थोड़ा सा तीज वाला मूड है। और अभी हो रही है शाम, शाम के बजे हैं 4:30। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने घी बना के रख लिया कि मैं जब कुछ पूजा का कुछ होता है या फिर प्रसाद बनाना होता है तो मैं सुच्चा घी बनाती हूँ। तो मैंने घी बना के रख लिया है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं घेवर की तैयारी, क्योंकि घेवर में टाइम लगने वाला है। और अगर घेवर पहले से बन जाएगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि दाल बाटी बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोग बताओ, इस बार तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी तीज सेलिब्रेट करने वाला है, क्योंकि हम लोग जब इंडिया में होते थे तो जब मैं अपने मम्मी के घर होती थी ना शादी से पहले, तो हम लोग इतना अच्छे से तीज मनाते थे ना। क्योंकि गुड़गांव में आई डोंट नो तीज होता है, अब भी होने लगा होगा। जब मेरी शादी हुई थी 2009 में, तो जब मेरी शादी हुई थी 2009 में तो हमारी फैमिली में इतना कुछ तीज वगैरह का कुछ नहीं होता था। और राजस्थान में तो ऐसे फंक्शंस लाइक बहुत बहुत जोरों शोरों से बनते हैं। तो मेरे मम्मा के घर में बहुत अच्छे से बनता था, बट इन लॉज के यहाँ इतना कुछ नहीं होता था तीज का। तो मोस्टली जब राखी आने वाली होती थी ना तो मैं तीज पे वहीं चली जाती थी। मैं मनका को बता रही थी कि राजस्थान में तीज कैसे बनती है। क्या तो मेरी मम्मी के वहाँ मैं मनका को इस बार मैं और मनका इंडिया जाने वाले थे 2 मंथ्स के लिए, मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है। तो पर हम जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ ये सारी सिचुएशन हो गई। तो मैंने सोचा कि मनका को ना मतलब उसको बहुत टाइम हो गया, लाइक 6 ईयर्स हो गया मैं उसको इंडिया गए हुए। और जब वो यहाँ आई थी तो बहुत छोटी थी, और वो जब लास्ट इंडिया गई थी तब भी वो बहुत बहुत छोटी थी, उसको ऐसा कुछ याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे होता है, वैसे होता है इंडिया में तीज, ऐसे मनाते हैं, झूले झूलते हैं, तैयार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, सब करते हैं। तो इतनी एक्साइटेड थी ना, इतनी एक्साइटेड है ना। तो उसने, और इवन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, हम यहाँ आए हमने कभी घेवर नहीं मंगाया। तो उसको लिटरली, क्योंकि ना घेवर में बहुत ज़्यादा घी होता है और मैंने कभी बनाया भी नहीं यहाँ पे आके, और यहाँ हमने कभी ऐसा छूछ घेवर मिठाई में भी नहीं मंगाया। तो उसको पता ही नहीं कि घेवर क्या होता है। मैंने उसको दिखाया तब उसको लगा अच्छा ये घेवर होता है। और तो मैंने सोचा कि चलो आज घेवर ही बना लेते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी और मीठा बन जाता था पर घेवर नहीं बनता था। कुछ भी एक मीठा बना लेते थे बट घेवर नहीं बनाया कभी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम घेवर ट्राई करने वाली हूँ। मम्मी के घर पर एक बार बनाया था बट यहाँ नहीं बना कभी। तो देखते कैसे बनता है घेवर मेरा। और मन का सुबह से पता है, मन का सुबह से लाइक कि वो ना चूड़ियाँ पहन के, पायल पहन के, रात को उसने स्पेशली अपने हाथों में मेहंदी लगवा के बैठ गई, तैयार होकर बोल रही है ग्रीन क्या पहनूँ। तो ये लाइक इतनी एक्साइटेड है ना, अभी तो चूड़ियाँ वगैरह पहन के, सब पहन के तैयार होकर बैठी है। बट मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो बस यही देख। पता है अगर मनका और मैं इस साल इंडिया जाते हैं ना तो उस लाइक कि उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलती, राखी इंडिया में कैसे होती है और तीज कैसे होता है, सावन कैसे होता है, सावन के सोमवार में क्या होता है, और मंदिर कैसे सजते हैं, मंदिर पे कैसे, मतलब इंडिया में तो बहुत मंदिर भी सजते हैं ना सावन के सोमवार के टाइम पे। तो उसको कुछ नहीं पता है, होपफुली जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो चलो फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ घेवर बनाने की। डैडा को मैंने बोला कॉफ़ी पी लो, आके साथ में कॉफ़ी पीते हैं फिर मैं काम करती हूँ। तो डैडा की तो कॉल चल रही है, तो चलो खुद ही बनाना शुरू करते हैं और फिर डैडा आएंगे तो कॉफ़ी बनाएंगे। ठीक, यहाँ मैंने लिया है घी घेवर बनाने के लिए 1/2 कप। इसे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स और इसको अच्छे से आइस क्यूब को घी में मिक्स करना है, लाइक कि हमारा जो घी है वो कड़क हो जाए। देखो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये इस तरीके से हमारा घी बिल्कुल कड़क हो जाएगा
और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लावर मैदा 2 कप, और इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स करना है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से घी के साथ मिक्स कर रही हूँ। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क, और ये मेरा घी उसमें आग जम गया था तो मैं घी भी निकाल रही हूँ, वेस्ट क्यों करना है ना। तो अब मिल्क को अपने मैदे के साथ और घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको हाथ से मिक्स करो या फिर तो ज़्यादा ठीक रहता है। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिल्ड वाटर। हमें मिल्क ऐड करना है या वाटर ऐड करना है वो चिल्ड ही ऐड करना है, तो यहाँ मैं इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर रही हूँ 1 कप। अब मैंने इसमें दोबारा 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस 2 स्पून। लेमन जूस से इसका हनी कॉम स्ट्रक्चर आएगा, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें 1 और कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है चिल्ड वाटर। टोटल मेरा इसमें 3 कप वाटर लगा है इस बैटर को बनाने के लिए, और 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है। यहाँ मैंने देसी घी लिया है, और देसी घी को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया मैंने, और यहाँ मैंने इसको बनाया बनाया इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक कि एक साथ एकदम से नहीं बनेगा। इसको मुझे बनाने में 15 मिनट लग गए थे, 15 मिनट्स आराम से रखने हैं इसको तलने में। इस तरीके से मैंने डाल के धीरे धीरे सारा बना लिया था, और ये मेरा फर्स्ट खराब हो गया था, और ये सेकंड है, और मेरे फर्स्ट वाले की थोड़ा सा क्लिपिंग मिक्स हो गई मिस हो गई है। मैंने आगे उसकी क्लिपिंग रखी है मैंने जब और घेवर बनाए हैं। यहाँ मैं चाशनी बना रही हूँ घेवर के लिए। मैंने 2 कप शुगर में 1 कप पानी ऐड किया है, और इसमें मैं थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से बॉईल करा लाइक 5-7 मिनट्स, और उसके बाद एक तार की चाशनी बनके हमारी तैयार है। और अब मैं हमारे घेवर के ऊपर ऐड कर रही हूँ चाशनी, इसको इसको एक रैक के ऊपर रख के ऐड करोगे तो जो भी एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी, और जितनी हमें घेवर में चाहिए उतनी चाशनी हमारे घेवर में रह जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से वो किया, और यहाँ मैं बाटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 कप गेहूं के आटे में 1/2 कप मैंने ऐड किया है सूजी, और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और काली मिर्च 2 कप मैंने इसमें ऐड दो सॉरी 2 मैंने इसमें कड़छी ऐड करा एक देसी घी, और इस तरीके से इसे मिक्स करके अच्छे से, और इसमें देखना है मुठियां हमारी अगर बन जाती हैं इस तरीके से आटा तो हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट डला हुआ है, और अगर आपकी मुठियां नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा और घी ऐड कर लेना। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, पानी को धीरे धीरे ऐड करना है, और थोड़ा सा हमें पराठों वाला आटा गूंदना है। तो यहाँ मेरा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया है, और मेरा घेवर बन रहा है। इस तरीके से मेरा घेवर बन के तैयार हुआ था, मैंने 3-4 घेवर बनाए थे, एक दो घेवर मेरे खराब भी हुए बट इवेंचुअली मेरे घेवर बन गए थे अच्छे। और इस तरीके से धीरे धीरे अब मैं इसमें दोबारा से ऐड कर रही हूँ, और अब बस एक लोई लेनी है पेड़ा, और इसको अच्छे से दबा दबा के अंगूठे की हेल्प से हमें बाटी तैयार करनी है। मैं इसको अच्छे से दबा दबा के सारी बाटियां तैयार कर ली थी, और अब हम इसे रखेंगे अवन में। मैंने 350 फ़ारेनहाइट पर रखा है इसे बेक करने के लिए, प्री हीटेड अवन है। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ दाल को तड़का, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लेंडर के साथ खाना बना है तो दाल को अब मैं तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है घी के अंदर थोड़ा हींग, चिली फ्लेक्स, जीरा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, टमाटोज ऐड कर रही हूँ क्रश टमाटोज, कैन टमाटो, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, गरम मसाला पाउडर थोड़ा ज्यादा ही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 3 मैंने स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और धनिया पाउडर 2 स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करना है, और यहाँ मेरी दाल रेडी है। दाल में मैंने मूंग की दाल और चने की दाल, वाइट दाल सब बराबर बराबर लेके डाली थी,
और इसकी भी क्लिपिंग मिस हो गई है मुझसे, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ ब्लेंडर से खाना बनाया, बहुत मेरा घेवर नहीं बैठ रहा था तो मेरा खाना बस मैंने ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और अब बस मैं इस दाल को मैंने बॉईल ही किया था सिर्फ नमक और हल्दी डाल के, और बस अब इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ दाल, क्योंकि दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें पानी ऐड किया। और बस हमारी दाल बनके भी तैयार हो गई है, इसको थोड़ा सा और उबलने दिया था मैंने, और बस दाल बनके हमारी तैयार है।